hello everyone good morning to all of you so let's start with a new super analysis of 9th of november so before that if you want the pdf of this video you can go to study score official on telegram and search for this you will get the pdf here so starting with the discussion the first topic for discussion is about lakhimpur kheri incident so as you know that on 3rd of october uh, there was a union minister's convoy that was uh, that had moved down the farmers attending a rally in Lakhimpur kheri now this is a place in Yopi. Okay? Uh, par kuch farmers they were protesting against the agricultural laws but they were moved down some of the farmers they were killed and moved down by a group of uh, cars that was moving around at that particular time फॉर दैट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम the issue टू इन्वेस्टिगेट was not much success ठीक है उसके बाद अभी ये न्यूज में इसलिए है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज appoint टू independent इंडिपेंडेंट एक्स court का जज uh, उनको हेड बनाकर एक टीम बनाई जाएगी जो कि इस इन्वेस्टिगेशन को properly मॉनिटर करेगा ठीक है ये अभी सिर्फ प्रपोज किया गया है अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है ओके okay, इसके बाद देखें कि क्या सच में कोर्ट्स मॉनिटर कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन को इफ यूड सिंपली थिंक द आंसर इज यस ठीक है आपने सिंपली इसको समझ लिया होगा नाउ इसकी अगर टेक्निकलिटीज को देखें हम तो पहले ऐसा नहीं था पहले इट वॉज नॉट अलाउड बट सुप्रीम कोर्ट इन टू थाउजेंड गेव अ जजमेंट उसमें उन्होंने ये बोला कि दैट हायर कोर्ट्स कैन मॉनिटर द प्रोग्रेस दे कैन मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन इन क्रिमिनल केसेस कोई भी क्रिमिनल केस का अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो डायरेक्टली मॉनिटर कर सकते हैं लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है कंडीशन तब है कि इफ इट इज फाउंड दैट इन्फ्लुएंशियल पीपल दे आर ट्राइंग टू इम्पैक्ट द कोर्स ऑफ जस्टिस अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल जो हैं जो इस पर्टिकुलर केस uh, के अंदर आकर जस्टिस को मतलब अवॉइड करना चाहते हैं तो वहां पर आकर वो सुप्रीम uh, कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्टली मॉनिटर कर सकता है इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन uh, के अंदर हाई कोर्ट को पावर दी गई है अंडर आर्टिकल टू एंड टू कि वो डायरेक्टली किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को अपनी ड्यूटी प्रॉपर्ली करने के लिए बता सकता है बोल सकता है कि आपको अपनी ड्यूटी प्रॉपर्ली करनी है आप नहीं कर रहे हैं ओके नाउ न्यूज में इसलिए है देखिए व्हाई डिड द सुप्रीम कोर्ट सजेस्ट अपॉइंटिंग ए रिटायर्ड हाई कोर्ट जज हुआ ये है कि दो सेपरेट एफ फाइल हुई हैं ठीक है फर्स्ट इज अबाउट द फार्मर्स मर्डर्स एंड सेकंड इज अबाउट द दैट हैपेंड लेकिन वो दोनों ही जो है वो ओवरलैप कर रही है ठीक है बहुत सारी चीजें हैं जो दोनों में सेम है टेक्निकलिटी जो मर्डर की एफ है और जो वायलेंस की एफ आई आर है दिस शुड बी डिफरेंट एंड बट यहाँ पर दोनों सेम ही हैं बहुत सारी सेम चीज़ें हो रही हैं तो ये देख कर सुप्रीम कोर्ट ने ये एक नॉर्मल अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि कुछ ना कुछ फॉल्ट आ रहे हैं इस चीज़ के अंदर इसके अलावा बहुत सारे आई विटनेसेस ऐसे थे जो पहले पहले क्या था ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट बोल रहे थे ठीक है अगेंस्ट बोल रहे थे लेकिन जैसे ही पुलिस वहाँ पर उनका बयान रिकॉर्ड करने गई उन्होंने अपने सबने स्टेटमेंट चेंज कर दिया और नाउ दे आर ट्राइंग टू हेल्प आउट दैट पर्टिकुलर मिनिस्टर ठीक है जो मिनिस्टर जो विक्टिम है जो अक्यूज है वहां पर पहले वो विक्टीम के साथ दे रहे थे कि आ, कैसे कुछ मतलब कार वगैरह ने उनके ऊपर मोटाउन कर दिया लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसका रिकॉर्ड रिकॉर्ड करने की मतलब स्टार्ट किया स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की कोशिश की वैसे ही उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया सो so, ये आ, ये भी एक केस था थर्ड था कि जितने भी फोरेंसिक लैब के रिपोर्ट्स थे वो सोचिए थर्ड ऑफ अक्टूबर को हो चुका है ऑलरेडी ये इंसिडेंट और दिस इज टूडे नाइन्थ ऑफ नवंबर इट इज मोर देन वन मंथ एंड स्टिल फॉरेंसिक लैब के रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आए हैं ठीक है इसके अलावा जितने भी कॉल रिकॉर्ड डिटेल्स थे जितने भी अक्यूज थे उन सबका डिटेल्स नहीं मिल रहा है पुलिस ये बोल रही है कि, कि किसी के पास फोन नहीं था बट सुप्रीम कोर्ट बोल रही है दिस इज नॉट पॉसिबल कि उनके पास फोन ना हो तो ये प्रॉब्लम चल रही है इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दैट दर शुड बी अ अम्पार्शल एक इम्पार्शल कमेटी बैठाई जानी चाहिए जिसको एक एक्स हाई कोर्ट का जज हेड करेगा ठीक है ये एक प्रपोज किया है सुप्रीम कोर्ट ने ओके टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक इट इज अबाउट रफेल जेट्स ठीक है आर फाइटर जेट्स देखिए समझते हैं हुआ क्या है ये न्यूज में इसलिए है बिकॉज फ्रांस का एक मतलब पोर्टल है दैट्स कॉल्ड मीडिया पार्ट उसने क्लेम किया है कि जो डिसॉल्ट एविएशन नाम की जो कंपनी है डिसॉल्ट एविएशन उसने 7.5 मिलियन यूरोस पे किया था टू अ पर्सन कॉल्ड है सुशीन गुप्ता फ्रॉम टू टू ट्वेल्व ठीक है एम क्या था ये इसलिए पे किया गया था ताकि सेवन बिलियन का रफेल डी इंडिया के साथ वो साइन कर, कर सके सो so, सुशील गुप्ता का यहाँ पे काम यह था कि उसको इन्फ्लुएंस करना था हायर इंडियन अथॉरिटीज को किस तरीके से ताकि वो जो डील है वो डिसॉल्ट को दे दे ठीक है इसलिए उन्होंने उसने पैसे पे किए थे नाउ 2018 से मीडिया पार्टी बोल रही है कि 2018 से इंडियन सी के पास ये सारे के सारे एविडेंस एंड पेपर्स हैं लेकिन इसके बावजूद सी अभी तक कोई भी स्टेप नहीं उठा रही है ठीक है सुशील गुप्ता के अगेंस्ट अगर सुशील गुप्ता नाम के पर्सन की बात करें तो दो में जो अगस्ताल वेस्ट चॉपर स्कैम हुआ था जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था आप चाहे तो कल की वीडियो देख सकते हैं इसके लिए इसमें भी ये पर्सन इन्वॉल्व था सोचिए 2010 हजार दस में जो ये अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर स्कैम हुआ था उसके अंदर भी इन्वॉल्व था उसमें क्या था कि मॉरिशस के अंदर कुछ शेल कंपनीज थे उसके थ्रू उसने पैसा का वो किया था हवाला किया था ठीक है और उसके बाद ये फिर से रफेल के अंदर भी इन्वॉल्व है ठीक है तो इस पर्सन के अगेंस्ट कुछ ना कुछ होना चाहिए ऐसा मीडिया पार्ट के कहना है ओके अब रफेल के बारे में देखिए तो रफेल दो हजार में स्टार्ट हुआ था ये एक फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसके अंदर दो इंजन है ट्विन इंजन है इसके अंदर जो कि फ्रांस की एक कंपनी है उसने इसको डिजाइन किया है जो कि फ्रांस की एयरफोर्स और नेवी दोनों के ही काम आती है 2016 में इंडिया ने फ्रांस के साथ एक डील साइन किया था जिसमें फ्रांस इंडिया को 36 सिक्स रफेल जेट्स देने वाला था ठीक है रफेल जेट्स की बात करें तो इसकी 30,000 फ्लाइट आर्स हैं मतलब 2000 देखिए 2001 में फ्रांस ने इसको बनाया था और 2016 में साइन हुआ था एंड फाइनलीउजेंड ट्वेंटी वन तो टू थाउजेंड ट्वेंटी आपको पता होगा कि अभी कुछ आ, 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 फाइव हमारे पास जेट्स आ चुके हैं ऑलरेडी तो ये जो है दिख रहे हैं पिछले बीस साल में लगभग थर्टी फ्लाइट आर्स का इसका काम है ऑलरेडी इतनी फ्लाइट आर ले चुका है राफेल इसके अलावा इसका अगर हम रेंज की बात करें तो 150 किलोमीटर तक ये एयर टू एयर मतलब स्ट्राइक कर सकता है और लैंड का टारगेट ये 300 किलोमीटर तक कर सकता है इसका हम अभी आगे, आगे देखेंगे इसके अलावा इट कैन ऑल्सो डू एयर सुप्रीमेसी जिसमें इंटरडिक्शन आता है इंटरडिक्शन का मतलब है कि कोई भी अगर एक पर्टिकुलर जेट जा रहा है तो उसको डिस्टर्ब कर सकता है बीच के अंदर ये बीच में डिस्टर्ब कर सकता है ठीक है इसके अलावा एरियल रिकॉन्सेंस कर सकता है जिसका मतलब है कि दूर से ही एनिमी को री लोकेट कर सकता है कि वो कहां पर है कोई एनिमी स्ट्राइक करना है एंड ऑल ये दूर से ही, मतलब एयर पे जाकर हवा में जाकर वो सब कुछ चेक कर सकता है इसके अलावा ये आर्मी को ग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है इसके अलावा इन डेप्थ स्ट्राइक करेगा मतलब जहां पर स्ट्राइक करेगा वहां पर वो प्रॉपर डैमेज करके आता है मतलब छोड़ता नहीं है इसके अलावा एंटीशिप स्ट्राइक कर सकता है यानी कि नेवी को भी

ठीक है इट कैन टारगेट एनिमी फ्रॉम 150 किलोमीटर अवे यानी कि 150 किलोमीटर अवे से ही ये एनिमी पर अटैक कर सकता है इसका मतलब क्या है कि जब तक एनिमी आप तक पहुंचेगा उससे पहले आप उस पर अटैक कर चुके होंगे ठीक है इसका ये है इसका मिट्टी मिसाइल का काम इसके अलावा एक और मिसाइल इसके ऊपर है लगी हुई है इसका नाम है स्कैल्प मिसाइल स्कैल्प मिसाइल का काम है कि ये लैंड पर हिट करता है फर्स्ट ऑफ ऑल एंड थ्री किलोमीटर अवे तक ये हिट कर सकता है ठीक है इसके अलावा द थर्ड मिसाइल इज माइका मिसाइल माइका मिसाइल मिसाइल ये भी एयर है ये ये रडार सीकर है है इसके पास इसका मतलब क्या कि शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों पे ही अटैक कर सकता है लॉन्ग रेंज कितना अराउंड किलोमीटर तक हिट कर सकता है तो देखिए तीन टाइप के मिसाइल्स हमने अभी भी देखे फर्स्ट इज अबाउट मेटोर मिसाइल सेकंड इज कल्प मिसाइल एंड थर्ड इज माइका मिसाइल तो ये स्टेटमेंट आपको यूपीएससी में पूछ सकता है कि विच ऑफ दीज मिसाइल्स या फिर ऑफ पार्ट्स आर अ पार्ट ऑफ रफेल जेट्स ठीक है आपको इंडली क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको ध्यान रखना है इसके अलावा अभी अगर आप लास्ट ईयर की न्यूज देखेंगे तो इंडियन एयरफोर्स को फाइव जेट्स मिल चुके हैं जो कि अंबाला एयरबेस हरियाणा के अंदर उन्होंने इंडक्ट किया यह, किया हुआ है एंड दीज आर द फर्स्ट मेजर फाइटर प्लेन्स आफ्टर सुखोई जेट देखिए सुखोई हमने रशिया से लिया था सुखोई हमने रशिया से लिया था और वो काफी पुराना हो चुका है तो इसलिए हमने इसको रिप्लेस किया है बाई रफेल जेट्स ठीक है ओके नाउ okay. रफेल की बात करें तो राफेल इंडिया काफी दिनों से खरीदना चाह रहा है अब हम हम जानते हैं 2016 में इसने फ्रांस के साथ डील साइन कर ली थी ठीक है फाइनली 2021 में जाकर हमें फर्स्ट बैच इसका मिला है ठीक है देखिए इसके अंदर ट्विन इंजन है ठीक है यहाँ पर इसकी बात करें हम रफ, रफेल की लेंथ अराउंड फिफ्टीन मीटर्स की है और इसका फोर्टी मीटर का इसका विंग एरिया विंग एरिया से कहते हैं ठीक है जितना उसका प्लेन का विंग विंग्स होते हैं ठीक है देखिए टू दिसंबर टू या फिर टू में वो फ्रांस की सर्विस में एंटर करता है और इसकी टेक ऑफ वेट अगर आप देखेंगे अराउंड ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड के आसपास का इसका टेक ऑफ वेट है मतलब एक बार में पच्चीस हजार के का ये सामान लेकर ट्रैवल कर सकता है इसकी मैक्सिमम स्पीड वन पॉइंट एट मैक की है वन पॉइंट एट मैक का मतलब क्या है दिस इज सुपरसोनिक ठीक so, है सो सुपर सोनिक मिसाइल है यानी कि वन मैक से ज्यादा इसकी स्पीड है ओके इसके बाद देखिए इसके एयर डिफेंस में काम आ सकता है इसके अलावा ग्राउंड अटैक कर सकता है और न्यूक्लियर स्ट्राइक भी कर सकता है ठीक है दिस वाज ऑल अबाउट मिस रेफेल जेट्स नाउ नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट तमिलनाडु में इतना ज्यादा रेन क्यों हो रहा है सो so, आपने न्यूज में टीवी पे हर जगह देखा होगा कि तमिलनाडु चेन्नई यहां पे बहुत बुरी तरीके से फ्लड्स वगैरह आ गए हैं नाउ एज यूपीएससी एक्सपीरियंस यू शुड नो कि ऐसा क्यों हो रहा है वॉट इज द एक्सैक्ट रीजन जिसके कारण तमिलनाडु में इतने ज्यादा फ्लड्स आ रहे हैं नाउ सिंपल वर्ड्स में देखिए तो इसका सीधा सा मतलब है इसका सीधा सा रीजन है दिस इज बिकॉज ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून जो कि हर साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच में तमिलनाडु एंड इस पर्टिकुलर एरियाज में आते हैं ठीक है देखिए इस पार्ट ये इंडिया के इस पार्ट में आते हैं सारे के सारे ठीक है साउथ नॉर्थ ईस्ट मानसून आते हैं देखिए इंडियन मानसून दो पार्ट में डिवाइड होता है फर्स्ट इज अबाउट साउथ वेस्ट मानसून ठीक है एंड सेकंड इज नॉर्थ ईस्ट मानसून मानसून ये दो टाइप के मानसून है तो 75 परसेंट जो बारिश होती है इंडिया के अंदर वो साउथ वेस्ट मानसून में होती है कि कारण होती है ट्वेंटी फाइव परसेंट जो होती है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण होती है अब जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है फ्रॉम देखिए साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट से टू नॉर्थ ईस्ट सो दिस इज द एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ठीक अब देखिए नॉर्थ ईस्ट मानसून किस एरिया में इफेक्ट करता है तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकल यनम कोस्टल आंध्रा केरला नॉर्दर्न इंटीरियर कर्नाटका माहे एंड लक्षद्वीप जैसा हमने अभी भी देखा ठीक है अगर ये इंडिया है ठीक है तो इस पर्टिकुलर एरिया में और इस पर्टिकुलर एरिया में काफी ज्यादा ये अफेक्ट करता है ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है ठीक है देखिए 2020 और 2021 दोनों ही लानीना के सीजन थे अगर आपको लानीना के बारे में पता होगा ठीक है लानीना का मतलब होता है जहां पर हैवी रेनफॉल होती है ठीक हैवी रेनफॉल की कंडीशन क्रिएट करता है दिस इज नॉट श्योर कि हैवी रेनफॉल होगी होगी बट ये कंडीशन ऐसे क्रिएट करता है जिससे कि हैवी रेनफॉल होना चाहिए देखिए 2020 में भी लानी का कंडीशन था लेकिन वहां पर ज्यादा रेनफॉल नहीं हुई थी ठीक है इट वॉज अ सबड्यूड रेनफॉल 2021 ट्वेंटी वन भी लानी का सीजन है बट यहां पर हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा हैवी रेनफॉल हो रही है ये शो करता है कि मानसून हमारा बहुत ही ज्यादा अनप्रडिक्टेबल है हम इस पर डायरेक्टली भरोसा नहीं कर सकते कि इफ इट शोज लालीना कंडीशन इट विल डेफिनेटली हैव हैवी रेनफॉल ऐसा हम नहीं कर सकते बिकॉज लास्ट ईयर वी सॉ कि लालीना होने के बावजूद वहां पर बारिश बहुत ही कम हुई थी ओके okay. इसके अलावा देखिए द इंटेंसिटी ओके देखिए लानिना का सीजन है ठीक है और uh, बारिश होनी चाहिए दे शुड बी रेनफॉल दैट इज ओके बट व्हाई रेनफॉल इज सो मच कि यहाँ पर फ्लड टाइप कंडीशन गए हैं ऐसा क्यों हो रहा है नाउ द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेनफॉल दे हैव इंक्रीज ड्यू टू क्रिएशन ऑफ लो प्रेशर एरिया इन बोथ ब्योर बंगाल एंड तो यहाँ पर क्या हुआ है बी ऑफ बंगाल ही प्रेशर क्रिएट हो गया रेनफॉल की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है ठीक है नाउ सिंस स्टार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट मानसून अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था नॉर्थ ईस्ट मानसून 2021 का ठीक है जिसमें तमिलनाडु एंड पुडुचे की बात करें उन्होंने फोर्टी परसेंट से ज्यादा एक्सेस रेनफॉल देखा है मतलब जितना एवरेज रेनफॉल उनका होना चाहिए था उससे 43 परसेंट प्लस रेनफॉल उनका ऑलरेडी हो चुका है यहां पर हम देखते हैं हल्का मैकेनिज्म चेक करने की कोशिश करते हैं दी आर दो टू टाइप ऑफ मानसून इन इंडिया नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट सो हमारा ज्यादातर जो बारिश आता है वो साउथ वेस्ट मानसून के कारण आता है एंड जो कम होता है नॉर्थ ईस्ट के कारण होता है अब देखिए गर्मियों के टाइम में क्या होता है गर्मियों के टाइम में यहाँ पर जो हमारा इंडिया ऐसे ट्रॉपिक्स पास करता है एज यू नो ठीक है इंडिया को दो पार्ट में ऑलमोस्ट डिवाइड करता है ट्रॉपिक्स तो अगर ट्रॉपिक्स यहाँ पास करता है तो दिस पर्टिकुलर पार्ट जो है हीटअप हो जाता है ठीक है ये हम गर्मियों की बात कर रहे हैं तो जब ये गर्मियों के टाइम में हीटअप हो जाता है तो यहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता है लो प्रेशर जब क्रिएट होता है तो नीचे की तरफ हाई प्रेशर क्रिएट होता है पानी के अंदर तो इसके कारण जितने हवाएं हैं वो इस तरफ मूव करती है ठीक है नाउ एज यू कैन सी ये ऐसा आप देख सकते हैं ये देखिए हवाएं इस तरफ मूव कर रही हैं यानी कि फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ठीक है दिस इज साउथ वेस्ट मानसून यही यहां से पानी को कैरी करती है और फाइनली हमारे इंडिया में जाकर ये बारिश क्रॉस करती है अब देखते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में नॉर्थ ईस्ट मानसून देखिए उल्टा होता है ये दिस हमने अभी अभी पढ़ा पीछे पढ़ा कि दिस हैपन्स बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर ठीक है अब अगर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होता है तो यहां पर क्या होता है देखिए सेम दिस इज टॉपिक ऑफ कैंसर एंड यहाँ पर ये तो इस बार गर्म यहां पर हो जाता है नीचे वाले पार्ट में पानी जो है दिस इज कम्पेरेटिवली वार्मर ठीक है वार्मर होता है एंड दिस इज कंपेरेटिवली कोल्डर बिकॉज हमें पता है हमारे यहाँ पे इस टाइम में ठंड होती है तो वार्मर है यानी कि यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा ना नहीं कर, जहां पर भी वार्म होता है ना वार्म कंडीशन होते हैं देखिए समझिए जहाँ जैसे मान लीजिए दिस इज अ पार्ट ऑफ लैंड अब अगर यहाँ पर सनलाइट डायरेक्टली पड़ रहा है ठीक है तो दिस विल भी वार्मर ठीक है वार्म ना वार्म एयर हमेशा राइज करता है आपको ये भी ध्यान रखते हैं वॉम में राइस करता है तो वॉर्म में अगर राइज करेगा तो दिस नीचे वाला पार्ट तो खाली हो जाएगा एंड ऊपर वाला पार्ट यहां पर हवा भर जाएगी तो जब नीचे वाला पार्ट खाली होगा तो दिस विल क्रिएट लो प्रेशर मतलब यहां पर नीचे की तरफ प्रेशर बहुत कम है बिकॉज हर चीज ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है इसलिए यहां पर लो प्रेशर क्रिएट कर देता है तो सेम चीज जब यहां पर वार्म कंडीशन नीचे की तरफ हो जाएगा तो लो प्रेशर यहां बन जाएगा नीचे की तरफ ठीक है एंड कंपैरेटिवली हाई प्रेशर ऊपर बन जाएगा बिकॉज ऊपर ठंड है ठीक है ऊपर ठंड है तो क्या होता है हमेशा एयर मूज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमेशा उ दर विल स्टार्ट मूविंग फ्राम दिस साइड ठीक है सो दिस इज अबाउट नॉर्थ ईस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है नीचे की तरफ यहां पर दिस पर्टिकुलर पार्ट में काफी ज्यादा बारिश कॉज करती है और इस बार की बारिश जो है इंटेंसिफाई हो गई है बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर क्रिएशन इन ब्योर बंगाल एंड अरेबिन दोनों ही जगहों पर सो दिस वॉज ऑल अबाउट की क्यों तमिलनाडु को बहुत ज्यादा बारिश हो रही है इस साल नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट यूनेस्को में क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है यूसीन ठीक है देखिए रिसेंटली श्रीनगर को पिक किया गया है पार्ट ऑफ यूसी अंडर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट कटेगरी ठीक है इस पर्टिकुलर पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर श्रीनगर को पिक किया गया है क्रिएटिव uh, सिटीज के लिस्ट uh, में देखिए श्रीनगर को जो चल रहा था श्रीनगर में देखिए 2019 में श्रीनगर शीर्ण, के लिए फाइल किया गया था कि इसको इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर डालना चाहिए बट उसमें एक्सेप्ट नहीं किया गया था फिर दोबारा 2021 में डाला गया और अभी इंडिया, इंडिया का एक्सेप्ट हो गया है श्रीनगर के बारे में तो ये कौन करा रहा था वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है झेलम तावी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट ये वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है और ये श्रीनगर को मेन फोकस में रख के काम करता है तो इसी ने इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ने श्रीनगर को इस पर्टिकुलर चीज के लिए यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज के लिए नॉमिनेट किया था और मतलब प्रपोज किया था और फाइनली 2021 में जाकर इसको इसका स्टेटस मिल गया ना क्या फायदा होगा इसको श्रीनगर से श्रीनगर को फायदा क्या होगा श्रीनगर को हेल्प मिलेगी टू तो प्रेजेंट इट्स हैंडीक्राफ्ट ऑन ग्लोबल स्टेज थ्रू यूनेस्को अब यूनेस्को के थ्रू वो अपने सारे के सारे हैंडीक्राफ्ट वगैरह को ग्लोबल स्टेज पर बेच सकता है दिखा सकता है शो कर सकता है बेसिकली जिससे उसकी डिमांड बढ़ेगी ठीक है और उसका मार्केट क्रिएट होगा नो जो यूसीएन है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क इसके अंदर कौन कौन से क्रिएटिव सिटी क्रिएटिव चीजें हैं जो कि इसके अंदर इंक्लूडेड हैं फर्स्ट इज फोक आर्ट्स मीडिया फिल्म लिटरेचर डिजाइन गेस्ट्रोनॉमी गेस्ट्रोनॉमी इज अबाउट फूड ठीक है डिफरेंट टाइप ऑफ फूड जो बनाते हैं उन सबका, सबका, सबका गेस्ट्रोनॉमी कहते हैं एंड मीडिया आर्ट्स ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसके अंदर ये क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क स्टेटस प्रोवाइड करती है अब क्या श्रीनगर इंडिया का पहला सिटी है जिसको क्रिएटिटी नेटवर्क के अंदर डाला गया है जी नहीं इससे पहले ऑलरेडी तीन सिटीज़ हैं इंडिया के जो क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के अंदर आ चुके हैं ओके ट्वेंटी फिफ्टीन में दो सिटीज़ को दिया गया था जयपुर एंड वाराणसी को जयपुर व सेलेक्टेड अंडर क्राफ्ट एंड आर्ट्स देखिए श्रीनगर को भी क्राफ्ट एंड फोक के अंदर अभी सिलेक्ट किया गया है जयपुर को भी क्राफ्ट एंड फोक के अंदर किया गया था और वाराणसी को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक के अंदर इसको सेलेक्ट किया गया था एंड 2017 में चेन्नई को यहाँ पर क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक के अंदर वो किया गया सेलेक्ट किया गया तो आपको ध्यान रखना अब इंडिया के अंदर टोटल चार क्रिएटिव सिटीज हो चुके हैं जयपुर वाराणसी चेन्नई एंड फाइनली श्रीनगर ओके ठीक है ना नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट पदमा वार्ड पदमा वार्ड्स कल दिए गए हैं ठीक है इसके बारे में देख लेते हैं आपको याद होगा तो प्री

पद्म विभूषण पद्म भूषण एंड पद्मश्री देखिए, पद्म विभूषण इज द हाईएस्ट। तो पद्म विभूषण उससे छोटा है पद्म भूषण एंड उससे छोटा है पद्मश्री ठीक है पद्म विभूषण की बात करें दिस इज फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस भूषण की बात करें तो इट इज फॉर डिस्टिंग सर्विस ऑफ हाइस्ट ऑर्डर एंड पद्मश्री इज फॉर डिस्टिंग्विज सर्विस ठीक है ये तीन डिफरेंट है नाउ अवार्ड्स आर अवार्डर्ड ऑन रिकमेंडेशन मेड बाई पद्म अवार्ड कमिटी नाउ दिस इज अ अमिटी विच इज मेड बाई द प्राइम मिनिस्टर एवरी ईयर तो ये हर साल चेंज होती है पर्टिकुलर कमेटी हर साल प्राइम मिनिस्टर इसको बनाते हैं ठीक है ठेके? और ये कमेटी रिकमेंड करती है कि किसको इसको इस साल पद्म अवार्ड्स मिलने चाहिए ठीक है नाउ दिज आर प्रेजेंटेड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखिए कमिटी को बनाता है प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनली अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो कि डायरेक्टली किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टोटल दे सकते हैं क्या वो फिक्स है पोस्टोमस अवारस्टोमी एनआरआई और ओसीआई और फॉरन बेस्ट विनर्स देखिए पोस्टोम अवार्ड का मतलब होता है मर्णोपरान्त मर्णोपरा मतलब है अगर किसी की डेथ हो गई है उसके बाद उनको उस पर्टिकुलर अवार्ड से नवाजा जा रहा है उसे कहते हैं Indians, उसे का मतलब है तो, यहां दो पता चली पहली बात तो ये जो है पोस्टोमस एनआरआई और फॉरन बेस्ड ये सबके साथी में काउंट नहीं किए जाते हैं ठीक है सो वन के प्लस ये चार कैटेगरीज में पॉस्थोमस प्लस एनआरआई प्लस ओ सी आई प्लस फॉरन बेस्ड इन सबको दिया जा सकता है और एक चीज और कि ये सिर्फ इंडियंस को नहीं मिलता है फॉरेनर्स को भी मिल सकता है ये पद्म अवार्ड्स ठीक है नाउ इस साल की बात करें तो प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया है द कंफर्मेंट ऑफ 119 पद्म अवार्ड्स ठीक है 119 टोटल पद्म अवार्ड्स मिल रहे हैं जिसके अंदर सात पद्म विभूषण है दस भूषण हैं एंड हंड्रेड एंड टू पद्मश्री हैं ठीक है, है इसके अलावा दस परसेंट ऐसे भी हैं जो कि फॉरनर एनआरआई पी आई यू या फिर ओ सी आई के अंदर कैटेगरी के अंदर आते हैं ठीक है दिस वॉज ऑल द बेसिक ओके okay. अब देखते हैं पद्म विभूषण हमने देखा पद्म विभूषण इज द हाईएस्ट उसके बाद पद्म भूषण आता है एंड देन कम्स पद्मश्री तो पद्म विभूषण को देखते हैं टोटल सेवन पीपल्स को मिला है उसमें से जापान के जो पीएम थे पहले प्राइम मिनिस्टर वॉर करते थे पहले श्री शिंजो आबे उनको दिया गया था इसके अलावा तमिलनाडु में आर्ट की फील्ड से एस पी बाला जो कि पोस्टोमस उनको दिया गया है मरणोपरांत दिया गया है उनको दिया गया है कर्नाटका में मेडिसिन के फील्ड से डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगडे को दिया गया है यूएसए के साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड से नरेंद्र कुमार कपानी को दिया गया है इनको ये पॉस्टमछली दिया गया है फिर देखिए दिल्ली के लिए दिल्ली में स्परि स्परिचुअलिज्म के फील्ड से मौलाना वहीबुद्दीन खान को दिया गया है एंड दिल्ली के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से बी बी लाल सर को दिया गया है इसके अलावा फाइनली ओडिशा में आर्ट के फील्ड से श्री सुदर्शन साहू सर को दिया गया है ठीक so, है सो दीज आर सेवन पद्म विभूषण अवार्डीज जो कि ट्वेंटी में दिए गए हैं यहाँ पर आपको हर एक के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है बट अगर आप श्री शिंजो आबे जो कि जापान के पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे एंड एसपी पी बाला सुब्रमण्यम इन दोनों को प्रॉपरली ध्यान रखें तो पूछ सकता है देखिए एसपी पी बाला सुब्रमण्यम सर का आपको आर्ट के फील्ड के बारे में कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए ठीक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ हमें पता है कि पद्म विभूषण के बाद आता है पद्म भूषण टोटल दस अवार्ड इस बार पद्म भूषण के हैं ठीक है अब आपको इसके किसी के भी नाम पद होने की जरूरत नहीं है बट कुछ बहुत ही ज़्यादा फेमस नेम्स हैं तो अगर आप उनको प्रॉपरली ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा ठीक है देखिए श्री तरुण गोगोई श्री कृष्ण नायर शन, आ, शांता कुमारी ठीक है चंद्रशेखर कामबारा सुमित्रा महाजन मिस सुमित्रा महाजन इनको भी अवार्ड दिया गया है इस बार ठीक है नृपेंद्र मिश्रा इसके अलावा श्री राम विलास पासवान इनको पॉस्तु मछली दिया गया है इसके बाद केशव भाई पटेल इनको भी पॉस्तु मछली दिया गया है ठीक है कालबे शादिक ठीक है रजनीकांत दावीदास श्रॉफ एंड श्री तारलोचन सिंह ये कुछ टेन विभूषण पद्म भूषण दिए गए हैं जो इस साल दिए गए हैं आपको अगेन इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए स्पेशली देखिए कोई अगर आर्ट के फील्ड से है आपको उनका कॉन्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए कि क्या एग्जैक्टली उन्होंने किया है श्री तरुण गोगोई सर का जो पब्लिक अफेयर्स के अंदर कंट्रीब्यूशन किया था आपको ये पता होना चाहिए ठीक है ये चीज़ें हल्की हल्की छोटी -थोड़ छोटी चीज़ें हैं जो पूछ सकता है कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम स्टेट पी में या फिर किसी भी पर्टिकुलर यूपीएससी भी यहाँ तक कि एक स्टेटमेंट डाल सकता है कि क्यों दिया गया है इन अवार्ड्स को

डेंगू भी कॉज करती है चिकनगुना भी कॉज करती है और येलो फीवर भी कॉज करती है तो ये चार डिफरेंट टाइप के वायरस चार डिफरेंट टाइप के डिजीज हैं जो कि सेम मॉस्किटो कॉज करती है ट्रांसमिट करती है तो आपको ध्यान रखना है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो आप समझे डेंगू के केसेस लगातार बढ़ रहे थे दैट वॉज बिकॉज ऑफ एडिस मॉस्किटो एंड उसी कारण जिका केसेस भी बढ़ने शुरू हो गए ठीक है बिकॉज दिस इज स्प्रेड ऑलसो स्प्रेड बाई द सेम मॉस्किटो अब देखिए क्या है न्यूज क्या है न्यूज यह है कि यूपी में लगातार ही जिका केसेस बढ़ रहे हैं और दिल्ली में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है इसके लिए ये बोल रहा है कि ज्यादातर जो टिक है।, है, मतलब है तो बहुत ही, है, बहुत ही है, शो नहीं हो रहे है। इसके अलावा हमारी एक है एनसीडीसी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल रही है कि जितने भी नॉन असेंशियल ट्रेवल्स हैं जिसकी जरूरत नहीं है मतलब अगर कोई ऐसा ट्रेवल है जो आप अवॉइड कर सकते हैं स्पेशली ऐसे एरियाज में जो अफेक्टेड अभी जीका के द्वारा या फिर ऐसी जो जीका, जीका के द्वारा इन्फेक्टेड है वहां पर अभी ना जाए ठीक है वहां पर अवॉइड प्रेग्नेंट वुमेन्स शुड डेफिनेटली कैंसिल द ट्रेवल टू अफेक्टेड एरियाज तो प्रेगनेंट वुमेन पर यहां पर हाँ स्पेशल फोकस दिया गया है एनसीडीसी के द्वारा क्यों ना पॉइंट इज प्रेगनेंट वुमेन से डायरेक्टली फीटस को फैल सकता है ट्रांसफर हो सकता है ठीक है जी का वायरस एंड इट कैन कॉज इन फेंस टू बी बॉन्ड विद माइक्रोसिफिली माइक्रोसिफिली एक बीमारी होती है जिसमें हेड का साइज जो है छोटा हो जाता है इट बिकम स्मॉलर ठीक है छोटा हो जाता है देन नॉर्मल हेड साइज इसके बारे में हम थोड़ी देर में देखेंगे इसके अलावा अब ज़िका जि, के बारे में देखें तो इसका कोई भी वैक्सीन या फिर कोई भी ड्रग अवेलेबल नहीं है तो अगर एक बार किसी को हो गया तो यू नो उसको ठीक करने के लिए हमारे पास प्रॉपर मेडिकेशन नहीं है इसके अलावा लेकिन ये भी बोला गया है साथ में एनसीडीसी के द्वारा दैट सेल्फ मेडिकेशन शुड बी अवॉइडेड अगर आपको फीवर है तो आप सिंपली पैरासीटामोल का कंजम्पन uh, कर सकते हैं पैरासीटामोल ले सकते हैं बट प्लीज़ डोंट यूज़ एस्पिरिन एज अ मेडिसिन ये एनसीडीसी ने डायरेक्टली अपनी गाइडलाइंस में बोला है कि एस्पिरिन को यूज नहीं करना है

लिवर एंड ब्रेन डैमेज ठीक है लिवर डैमेज और ब्रेन डैमेज कर सकते हैं और अगर इसको जल्दी ही इसका इलाज नहीं कराया जाएगा इट कैन ऑल्सो प्रूव फेटल ठीक है तो ये डेथ भी कॉज कर सकता है इसलिए एस्प्रिंग को फिलहाल अवॉइड करें

अब इंडिया की गवर्नमेंट की बात करें तो इंडिया ने क्या स्टेप उठाया इसके लिए तो इंडिया ने एक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो ऑलरेडी नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर चल रहा है इट हैज अ मैकेनिज्म फॉर सर्विलियंस फॉर माइक्रोसेफली ठीक है माइक्रोसेफली क्या है अभी हमने देखा माइक्रोसेफली में क्या होता है हेड का साइज स्मॉल हो जाता है उसके लिए सर्विलियंस करता है प्रॉपरली मेडिकेशन वगैरह प्रोवाइड करता है इस पर्टिकुलर कार्यक्रम के अंदर बच्चों के लिए ठीक है अब समझते हैं कि एक्जेक्टली माइक्रोसेफली है क्या देखिए वट आर द सिम्टम्स ऑफ माइक्रोसेफली जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं आपको इसका हेड जो है वो नॉर्मल से स्मॉलर दिख रहा होगा ठीक है स्मॉलर देन नॉर्मल नाउ सीजर्स आने शुरू हो जाते हैं ठीक है चक्कर वगैरह आने शुरू हो जाते हैं हेड का साइज बहुत ही स्मॉल हो जाता है कोऑर्डिनेशन डिफिकल्टीज होती है देखिए हमें पता है कि हमारे जितने भी मोटर कंट्रोल्स होते हैं मोटर कंट्रोल्स का मतलब है कि हम कोई भी पर्टिकुलर अपनी बॉडी से काम करते हैं जैसे हम हाथ अगर ऊपर उठाते हैं नीचे करते हैं पैर ऊपर उठाते हैं पैर ऊपर नीचे कुछ भी करते हैं तो हम पहले हमारा बॉडी ब्रेन को एक सिग्नल भेजता है ठीक है और ब्रेन का सिग्नल क्या है उसके बाद वो ब्रेन उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को एक ऑर्डर देता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ठीक है तो उस ऑर्डर के बाद ही हम कोई चीज़ कर पाते हैं तो इस माइक्रोसेफिली में क्या होता है हमारा जो सिग्नल ब्रेन के पास जाता है वो बहुत ही वीक हो जाता है उसके कारण ब्रेन वापस प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है उसके कारण कोऑर्डिनेशन में बहुत डिफिकल्टीज होती हैं जैसे अगर हमें दोनों हाथ एक साथ उठाने हैं तो हमें अगर किसी को माइक्रोसेफली हो गया है तो वो बहुत दिक्कत होगी उसको दोनों हाथ एक साथ ऊपर उठाने में बिकॉज उसका ब्रेन दोनों ही हाथों को एक साथ प्रॉपर्ली मैसेज नहीं सेंड कर पाएगा इसके अलावा हो फोर मतलब मतलब है, आप देख रहे हैं पीछे की तरफ जा रहा है आईब्रोज आप देखिए बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ चले गए हैं ठीक है ठेके? इसके अलावा हाइपर एक्टिविटी होने लगती है फेशियल डिस्टोर्स होने लगते हैं फेस नॉर्मल नहीं रहता है फेस लगातार चेंजेस होने लगते हैं इसके अलावा डिलेज इन स्पीच एंड मूवमेंट जैसा अब हमने बात की भी ब्रेन जो है पहले एक सिग्नल सेंड uh, करता है किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को क्या करना है क्या नहीं करना है बट के केस में क्या होता है स्पीच एंड मूवमेंट दोनों ही केसेस में डिलेज होने शुरू हो जाते हैं ठीक है और वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाते हैं सो दिस वॉज ऑल अबाउट माइक्रोसेफली और द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन देखिए रिसेंटली एक स्टडी हुई है और उससे पाया गया है कि इंडिया ने चाइना को पछाड़ दिया है मतलब इंडिया को इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है इन द फाइनेंशियल इंक्लूजन मैट्रिक्स उसके दो डिफरेंट डिफरेंट उसके दो डिफरेंट पैरामीटर्स थे पहला था अबाउट मोबाइल एंड नेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन जितने भी ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह होते हैं उसमें देखें तो 2015 में अगर हम डेटा चेक करें तो इंडिया के अंदर हर 1000 थाउजेंड एडल्ट में 183 लोग ऐसे थे जो कि ऑनलाइन पेमेंट करते थे 2015 की बात कर रहे हैं हम ठीक है बट अगर हम 2020 की बात करें तो हर वन थाउजेंडल्ट में 13000 ऐसे थर्टीन हैं जो कि ऑनलाइन uh, पेमेंट कर रहे हैं इसका मतलब समझ रहे हैं दिस हैज ग्रोन मैनीफोल्ड दिस हैज ग्रोन मैनीफोल्ड मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है वन एट्टी थ्री कहां हम मतलब आसपास भी नहीं थे एंड नाउ वी हैव सरपास्ट आर रिजल्ट वन थाउजेंड में से थर्टीन थाउजेंड कर रहे हैं दिस इज अंपेरेटिव कंपेरेटिव फिगर आप प्लीज ये मत समझिएगा कि वन थाउजेंड एडल्ट है तो थर्टीन थाउजेंड कैसे कर रहे हैं दिस इज अंपेरेटिव फिगर कि शो करना चाह रहा है कि अगर हम टोटल देखिए कैसे करते हैं इसको टोटल नंबर ऑफ मोबाइल ट्रांज एंड नेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन इसको हम निकाल लिया डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन कर लिया ठीक है अगर हम करेंगे तो हमें एग्जैक्टली exactly मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन कितने हो रहे हैं डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन कितना है तो उससे हमें यह मिल जाता है कि टोटल पर 1000 थाउजेंड एडल्ट कितना है इंटू वन थाउजेंड कर देंगे तो इट विल शोअस कि पर 1000 थाउजेंड एडल्ट कितना हमारा वैल्यू आ रहा है तो पहले जब इसको करते थे हम तो टोटल 183 आता था पर 1000 थाउजेंड में अब हमारा 13000 प्लस आ रहा है 13000 प्लस आ रहा है ठीक है इसके अलावा अगर देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंटेंट होती है कि सबके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए बैंक अकाउंट के लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर बैंक के ब्रांचेस होने चाहिए ब्रांचेस नहीं होते तो, तो लोग अकाउंट कैसे खोलेंगे राइट right? तो नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस की बात करें पहले देखिए हर एक लाख पॉपुलेशन पे सिर्फ थर्टीन बैंक ब्रांचेस प्रेजेंट थे दो में पांच साल पहले हर एक लाख पॉपुलेशन ओनली बैंक ब्रांचेस अब लेकिन हर वन लाख पॉपुलेशन पे फोर्टीन बैंक ब्रांचेस खुलने स्टार्ट हो गए हैं सो दिस इज अ सिग्निफिकेंट सक्सेस जो पिछले पांच साल में हमने काफी इसको इंक्रीज करने की कोशिश की अब जो हमारा 14.7 आ गया है दिस इज मोर देन जर्मनी चाइना एंड साउथ अफ्रीका इन तीनों से ही हमने हम हम आगे निकल गए हैं ठीक है इसके अलावा देखिए हम ये भी ये जो स्टडी हुई है इसके अंदर ये भी बताया जा रहा है कि अगर जितनी ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है ना इट ऑल्सो शोज डिक्लाइन इन क्राइम उससे क्राइमिंग कम होता है इसके अलावा देर इज ऑल्सो ड्रॉप इन कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल एंड टोबैकोस ठीक है तो एल्कोहल टोबैको हर चीज कम होता है क्यों कम होता है बिकॉज देखिए अगर वो बढ़ेगा अगर इंक्रीज होगा अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्रीज होगा फाइनेंशियल इंक्रीज इसका मतलब क्या है बैंक में अकाउंट स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है बैंक अकाउंट स्टार्ट होने का मतलब क्या है लोग अपनी सेविंग्स को बैंक के अंदर जमा कराना स्टार्ट करेंगे तो जो नॉर्मल चीजें जो नॉर्मल पैसा जो घर में रखा है जैसे लोग लेकर के लिए यूज करते थे फिर टोबैकोज के लिए स्टार्ट करते थे ये कंपेरेटिवली कम होना स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज एवरी टाइम अगर आप सेविंग को किसी तरीके से बैंक में जमा करा दो तो आपके पास पैसा घर में रहेगा नहीं मतलब इंस्टेंटली आप पैसा नहीं, नहीं रहेगा आप बिकॉज आपको जो जो पैसा रहेगा उसी पैसे से आपको नॉर्मल अपने डे टू डे एक्टिविटीज करनी पड़ेगी तो आपको मैनेज करने के लिए क्या है किस ना किसी को छोड़ना पड़ेगा तो अच्छे चांसेस हैं कि आप लेकर टोबैको यू नो गैमिंग इन सब चीजों से आप थोड़ा सा दूर होना स्टार्ट हो जाओगे तो ये एक छोटा सा स्टडी है वो ये शो कर रहा है देखिए हंड्रेड परसेंट ये कुछ नहीं छुड़वा सकता है जब तक हम खुद ना छोड़ना चाहें बट ये शो कर रहा है कि डिक्लाइन होना शुरू हो गया अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्रीज होगा तो डिक्लाइन हो जाएगा क्राइम भी डिक्लाइन हो रहा है और हर चीज डिक्ला, डिक्लाइन हो रहा है इसके अलावा दर इज अ थिंगल्ड नो फेल्स अकाउंट नो फेल्स अकाउंट का मतलब क्या है जहां पर जीरो अकाउंट जीरो बैलेंस या फिर बहुत ही लो बैलेंस पर अगर आप बैंक अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं या फिर इसके अलावा बैंकिंग फैसिलिटीज़ होती है जैसे कोई विड्रॉल आपको पैसे पैसे निकालने हैं ए और डेबिट कार्ड यूज करना है ये सब के सब जीरो चार्जेस पर प्रोवाइड किया जाता है आपको पता होगा कि जब भी आप कोई चीज यूज करते हैं उससे बैंक आपसे प्रॉपर्ली चार्जेस लेता है लेकिन पुअर लोगों के लिए एक नो फिल्स अकाउंट चलाया गया था जिसके अंदर कोई भी चार्जेस नहीं ले जा रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ प्रोवाइड कर रहा था टू इनेबल द यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटीज ताकि जिसके पास कम पैसे हैं वो भी इसको प्रॉपर्ली यूज़ कर सके इसके अलावा नो फिल्स अकाउंट की बात करें तो इंडिया के अंदर काफी इंक्रीज हो गया है और ये 43.7 बैंक करोड़ ऐसे हैं जो कि थ्री पॉइंट करोड़ बैंक अकाउंट ऐसे हैं जो कि नो फिल अकाउंट में हैं और इसमें से टू थर्ड ऐसे हैं जो कि सिर्फ रूरल एरियाज के अंदर है तो ये भी शो करता है कि हम काफी अच्छा अचीवमेंट ला रहे हैं स्पेशली इन रूरल एरियाज जो पहले बैंक से बहुत काफी दूर थे उन वो भी बैंक के पास आ गए हैं सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्कशन इसके रिविजन फॉर्मेट में हम ट्रू या फॉल्स में क्वेश्चन देख लेते हैं फर्स्ट इज दैट सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल टू टू हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स कैन आस्क अ पब्लिक ऑफिस टू डू इट्स वर्क प्रॉपरली Second is that scalp missile in Rafale jets can uh, fire up to uh, 300 kilometers. Third is that Tamil Nadu is facing heavy rainfall due to orographic factors. Fourth is Padma awards can only be given to 120 people in a year. Fifth is, fifth is that InSacog has recently made a vaccine to treat Zika virus. Sixth, sixth is uh, microcephaly causes the head of the size of the children to increase. And seventh is China has recently surpassed India in financial inclusion metrics. ये आपको क्वेश्चन करना है आपको ट्रू या फॉल्स के फॉर्मेट में इसके आंसर्स आप कमेंट में दे सकते हैं ठीक है इसके आंसर हम आपको कल अपलोड करके देंगे कल के वीडियो में होंगे जैसे कि हम कल का जो आंसर कल जो हमने क्वेश्चन दिए थे उसके आंसर यहां पर है फर्स्ट जो कल क्वेश्चन था उसका क्वेश्चन था ये कि पोबीतरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर इन असम ये गलत स्टेटमेंट है अगर आप थोड़ा सा डीपली सो कल देखते तो आपको पता चलता कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो दैट वाज द फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि असम के अंदर डिक्लेयर हुआ था पबित्रा इज नॉट द फर्स्ट वन ठीक है इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट इज दैट मिथाइल आइसोसाइनाइट इज अ लीथल गैस रिलीज फ्रॉम बायोगे प्लांट्स

हमने कल पढ़ा था कि ब्रिटिश टाइम में 999 हंड्रेड ईयर्स के लिए एक ये पर्टिकुलर डैम का जो ऑपरेशन है ये लीज पे दे दिया गया था तमिलनाडु को फ्रॉम केरला ठीक है इसलिए इसको तमिलनाडु यूज कर रही है तमिलनाडु चला रही है फोर्थ स्टेटमेंट इज सुप्रीम कोर्ट हैज़ क्वेस्ट हरियाणा गवर्नमेंट्स डिसीजन ऑफ सेवेंटी फाइव परसेंट जॉब कोटा फॉर लोकल्स दिस इज एब्सलूटली फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज कल हमने पढ़ा था कि कल ही तो अभी हरियाणा ने ये स्टेटमेंट लिया है कि सेवेंटी फाइव परसेंट हमें जॉब कोटा जो है लोकल्स रखेंगे अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपना कोई भी डिसीजन नहीं दिया है फिफ्थ स्टेटमेंट वॉज दट सार्दीना एंड सिसली दे आर अंडर द सॉर्निटी ऑफ इटली क्या ये सही है जी हाँ ये बिल्कुल सही है अपने मैप में दिखाओगे मैंने आपको अलग से शो करके दिखाया था देट सारदीना एंड सिसली दोनों ही इटली का पार्ट है ठीक है इसके अलावा इराक जो है वो टच करता है ब्लैक सी टू दॉ जी नहीं ये पहली बात तो अगर हम इराक का मैप अगर हम ध्यान से देखेंगे दिस इज लाइक like इराक उससे बहुत ही छोटा सा पार्ट जो है वो सिर्फ पर्शियन गल्फ से निकल रहा है ठीक है और ब्लैक सी यहाँ पर ऊपर की तरफ है और ये बिल्कुल भी टच नहीं करता है ठीक है ओके लास्ट क्वेश्चन वॉस और आपको बताया था मैंने दो के प्रिलम्स में क्वेश्चन आ रखा था कि अजंता केवज दे आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ वगैरह रिवर दिस इज एब्सोल्यूटली ट्रू इसका आंसर था वगैरा रिवर जो क्वेश्चन उसके अंदर पूछा गया था सो दिस वॉज फॉर टूडे कीप कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स थैंक यू